क्या आपकी पाचन क्रिया ठीक से काम नहीं करती? दोस्तों, जब आप भोजन करते हैं उस कंडीशन में आपके पेट में भोजन सड़ने लगता है, सही से पचता नहीं है, जिसके कारण आपको हाइपर एसिडिटी हो जाती है, खट्टी मीठी डकारें आने लगती हैं, आपका पेट फूलने लगता है, पेट में गैस ज़्यादा बनती है और दोस्तों पेट में दर्द, ऐंठन, मरोड़न बना रहता है और दोस्तों आपको भूख भी नहीं लगती। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इससे निजात दिलाने के लिए सिवजर कंपनी की हाजिम चटनी के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरी फुल जानकारी मिलेगी कि आखिरकार यह चटनी होती क्या है, इस चटनी के खाने के फायदे और नुकसान क्या हैं, इस चटनी को कब और कैसे खाना है, खाने का सही तरीका क्या है, यह चटनी आपको कहाँ से मिलेगी और दोस्तों इस चटनी को आप घर बैठे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं सिवजर कंपनी की हाजिम चटनी के बारे में। दोस्तों, यह चटनी 100% प्योर यूनानी मेडिसिन होती है और दोस्तों इस चटनी की एक खासियत होती है, नो साइड इफेक्ट, यानी कि दोस्तों इस चटनी के कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होते हैं। दोस्तों, इस चटनी को सिवजर कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इस चटनी खाने के फायदे के बारे में। दोस्तों, यह चटनी जो होती है पाचन क्रिया को ठीक करने का काम करती है। दोस्तों, जब आप भोजन करते हैं उस कंडीशन में आपके पेट में भोजन सड़ने लगता है, खट्टी मीठी डकारें आने लगती हैं, आपको हाइपर एसिडिटी हो जाती है, सीने में जलन होती है, पेट में दर्द, ऐंठन, मरोड़न बनी रहती है और दोस्तों पेट फूलने लगता है, उस कंडीशन में यह चटनी जो होती है पाचन क्रिया को ठीक करने का काम करती है। इसके साथ साथ अगर आपको भूख नहीं लगती है, आपका वजन नहीं बढ़ता है, आपका खाया पिया आपके शरीर में नहीं लगता है और दोस्तों दुबला पतला शरीर मोटा नहीं हो पा रहा है, उस कंडीशन में यह चटनी जो होती है आपके भूख को बढ़ाती है, वजन को बढ़ाती है, खाया पिया शरीर में लगाती है और दोस्तों दुबले पतले शरीर को मोटा करने में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है। इसके साथ साथ यह चटनी जो होती है मतली और उल्टी को रोकने में काफ़ी ज़्यादा मददगार होती है और दोस्तों यह चटनी कब्ज को दूर करने में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है। इसके साथ साथ यह चटनी जो होती है लीवर फंक्शन को मजबूत करने में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है और दोस्तों अगर आपके शरीर में थकान, कमजोरी रहती है, आपके शरीर में आलसपन बना रहता है, उस कंडीशन में यह चटनी जो होती है शरीर के थकान, कमजोरी को दूर करती है, शरीर के आलसपन को दूर करने में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है और दोस्तों शरीर में एक प्रकार की ऊर्जा भी प्रदान करती है और दोस्तों इसके साथ साथ यह चटनी शरीर के सूजन को ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है। दोस्तों, यही होते हैं इस चटनी के यूज़। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस चटनी को कहाँ से और कैसे खरीदना है। दोस्तों, इस चटनी को आप अपने आसपास के मेडिकल स्टोर पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप अमेजान या फिर फ्लिपकार्ट से आप मंगवा सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन पर दिख रहे मोबाइल नंबर पर आप कॉल करके इसे आप घर बैठे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस चटनी को कब और कैसे खाना है, खाने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, 5 से 10 ग्राम चटनी सुबह और शाम खाना खाने के बाद आप ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ज़्यादा समस्या है, ज़्यादा प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में 10 ग्राम चटनी सुबह और शाम ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको ज़्यादा समस्या, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, उस कंडीशन में 5 ग्राम चटनी सुबह और शाम खाना खाने के बाद आप ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चटनी का इस्तेमाल लगातार 10 से 15 दिन तक लगातार करते हैं तो दोस्तों आप यकीन मानिए कि आपके शरीर में इसके रिजल्ट अच्छे दिखाई देने को मिल सकते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। दोस्तों, जो हाजिम चटनी होती है या 100% प्योर यूनानी मेडिसिन होती है, अभी तक इस चटनी के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखे गए हैं। दोस्तों, यही थी आज की जानकारी हाजिम चटनी के बारे में। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी वीडियो को करें लाइक और लाइक करने के साथ साथ चैनल को करें भी सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।